यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। श्री राम रथ का नगर वासियों ने किया भव्य स्वागत। सोमवार को मकर संक्रांति के पर्व पर श्री राम मंदिर अयोध्या से आया रथ का आर्यमगढ़ नगर के बड़ा गणेश मंदिर से आरएसएस विभाग प्रचारक सत्येंद्र विहिप गोरक्षा प्रांत उपाध्यक्ष दीनानाथ सिंह द्वारा पूजन करके रवाना किया गया। श्री राम रथ पुरानी सब्जी मंडी कटरा बदरका ब्रह्मस्थान पांडेय बाजार हीरापट्टी बिलरिया की चुंगी मुकेरीगंज पहाड़पुर पुरानी कोतवाली दलाल घाट कालीनगंज चौक होते हुए रोपुर काशीराम कॉलोनी पहुंचकर संपन्न हुआ। इस बीच राम भक्तों द्वारा जगह जगह रथ का भव्य स्वागत करते हुए पूजन किया जा रहा था, जिसके क्रम में कटरा में विहिप के नगर मंत्री राघवेंद्र मिश्रा लड्डू पांडेय बाजार पहाड़पुर मुकेरीगंज में विहिप जिला सह मंत्री संतोष गुप्ता हीरापट्टी में विशेष संपर्क प्रमुख चंदन सिंह अराजीबाग में जिला सह संयोजक उत्कर्ष सिंह पुरानी कोतवाली पर जिला विद्यार्थी प्रमुख अंकुर गुप्ता दलालघाट में जिला सुरक्षा प्रमुख सूरज निषाद कालीनगंज में नगर संयोजक हिमांशु राज रेवपुर में नगर कार्याध्यक्ष अरविंद मोदनवाल के नेतृत्व में रथ का स्वागत और पूजन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 500 वर्षों का इंतजार और कई बलिदान तब जाकर श्री राम अब टैंट से निकलकर मंदिर में प्रस्थान करेंगे, जिसको लेकर अयोध्या धाम में जोरों शोरों से तैयारियां हो रही। सभी सनातनी भाइयों के लिए ये हर्ष का विषय है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हम सभी हिंदू भाइयों को इसे बहुत बड़ा पर्व बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सभी मिलजुल कर इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को उत्सव पूर्वक मनाएं। इसी उत्सव को मानने के लिए पूरे भारत में जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान माताओं बहनों और भाइयों को आमंत्रण पत्र देकर सभी से आग्रह किया कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो या फिर घर पर ही रहकर इसे उत्सव पूर्वक मनाएं। इस अवसर पर बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी विभाग संयोजक बजरंग दल कुंवर गजेंद्र सिंह सिद्धार्थ राम सिंह राकेंद्र भूषण शुक्ला सूरज गोंड देवेंद्र राय साधना यादव आकांक्षा रीमा गोंड मनोज सिंह राजेश विश्वकर्मा समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठ।